गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर नंबर 4 है आपका, उसका पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले पार्ट में बॉन्डिंग वगैरह डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले जानते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर हम लोग कंपाउंड्स की बात करें, किसकी बात करें, हम लोग कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक, दूसरा क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक। हमें इसके बारे में स्टडी नहीं करनी है, हम इसको लेके चलेंगे कि ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, कार्बन से बने हुए होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे बने हुए होते हैं, कार्बन से। और ये बेसिस होती है लाइफ, किसी भी लाइफ क्या होती है, बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है, बेसिस। अब लाइफ प्रोसेस की बेसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ, आप लोग खाना खाते हो उसका जो डाइजेशन होता है, वहाँ भी कार्बन पाया जाता है। सांस ले तो उसमें भी कार्बन पाया जाता है। हर एक चीज में कार्बन आपको मिलेगी। लाइफ प्रोसेस की बात हो रही है, मीन्स लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन की, ये तो इंट्रो था थोड़ा सा। कार्बन क्या है, कार्बन 0.1 क्या है, गैस से बोल सकते हैं आप उसे, एयर बोल सकते हैं आप उसे, एलिमेंट बोल सकते हैं आप उसे, एटम बोल सकते हैं आप उसे। हम लोग कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं जो नेचुरली पाया जाता है, मिनरल्स में मिला हुआ होता है। तो कार्बन जो होता है 0.02% किस फॉर्म में होता है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी हम लोग बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। 0.03% जो आप सभी लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा कार्बन की क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं उसमें, 6 हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। कार्बन की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, हम कार्बन की बात कर रहे हैं, 6 एटॉमिक नंबर है, वैलेंसी आपको निकालते आता ही है। वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 4 मतलब सबसे ज्यादा वैलेंसी जो होती है, सबसे मच हायर वैल्यू जो है वो 4 है। इससे ज्यादा वैल्यू किसी की भी वैलेंसी की नहीं आएगी। सबसे ज्यादा वैलेंसी इसकी है कार्बन की है, जो कितनी है, 4 है। 4 वैलेंसी है, मतलब कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। तो इसको कितना चाहिए, 8 चाहिए। अब 8 चाहिए, या तो 4 दे दे या तो ये 4 ले ले, वही काम होगा। या तो 4 दे दे या तो 4 ले ले। अगर आपके पास 8 रुपए चाहिए और आपके पास कितने हैं, 12 रुपए, कितने हैं आपके पास, 12 हैं, और आपको कितना चाहिए, केवल 8 रुपए। आपका सामान कितने का रहा है, 8 का रहा है। आप क्या करोगे, या तो सामने वाले को अगर 4 रुपए कम कर रहे हैं तो उसको 4 रुपए दे दोगे, या तो आप 4 और किसी से उधार ले लोगे और 2 चीजें ले लोगे 8-8 रुपए में। वही काम कार्बन करेगा, क्या काम करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है किसी को, उसके पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ले लेता है, उसके पास कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और प्रोटॉन्स कभी भी दिया नहीं जा सकता और कभी भी लिया नहीं जा सकता, प्रोटॉन शेयर कभी भी नहीं होती है। ये कार्बन की मेन प्रॉपर्टी है, वो डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है। बट 10 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की होता है, ये सभी एटम्स होल्ड नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन क्या करता है। भाई कार्बन सिंगल तो पाया नहीं जा सकता, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, कोई भी एटम क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, बट इंडिविजुअली पाया नहीं जाएगा। हमेशा किसी किसी के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, बॉन्ड, इस पार्टनरशिप रखेगा, शेयरिंग करेगा अपने आप को। जब बॉन्ड बनाएगा, कैसा बॉन्ड बनाता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर करता है बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेल,
कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। अब बॉन्डिंग अगर कर रहा है तो बॉन्डिंग तीन प्रकार की करेगा, कौन कौन सी बॉन्डिंग करेगा, पहली बॉन्डिंग जो करेगा वो क्या होगा, सिंगल, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। दूसरा क्या करेगा, डबल बॉन्ड, और तीसरा जो करेगा वो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब नाम से देखिए आपको, सिंगल बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक के साथ, एक के साथ एक इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड मतलब एक के साथ दो इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक के साथ तीन इलेक्ट्रॉन। कार्बन चार भी शेयर करता है एक के साथ ही चार, लेकिन किसके साथ करेगा, खुद के साथ ही करेगा, और तो किसी को चार चाहिए ही नहीं होता भाई। चार इलेक्ट्रॉन अगर वो शेयर करता है तो आप सभी लोग जानते हो कि किसके साथ करेगा, फिर खुद के साथ करेगा, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को या किसी दूसरे एटम को नहीं चाहिए, या मैक्सिमम वन टू या थ्री ही कोई मांगेगा, फोर कोई भी नहीं मांगेगा। इसलिए फोर शेयरिंग किसके साथ करता है, खुद के साथ ही करता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते क्या। सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में हमेशा द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम। मीन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, मान लेते हैं एक कार्बन, इसे कितने इलेक्ट्रॉन थे, फोर इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन, फोर, एक दो तीन चार। अब सिंगल शेयर करता है तो हम लोग बोलेंगे कि सिंगल कैसे शेयर करेगा भाई, सिंगल शेयर करने के लिए उसे एक ही शेयर करना है, तो हम लोग इसमें तो चार हैं, इससे समझ में आपको नहीं आएगा। हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का, किसका लेते हैं, हाइड्रोजन का। अब सिंगल शेयरिंग, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन में क्या है, वन इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करेंगे आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे शेयर, इसने भी एक शेयर किया, इसने भी एक शेयर किया, तो ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। या इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग दें तो शेयरिंग ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के बीच क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड शेयर हो रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड की भी बात करते हैं, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे शेयर होंगे, किसमें होंगे, ऐसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड जो डबल शेयर करें, किसको दो की नीड होती है, टू इलेक्ट्रॉन्स की नीड किसको होती है, आप सभी ने पढ़ा है जिसकी वैलेंसी टू होगी उसी को दो चाहिए होगा, और कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टर के रूप में होना चाहिए। ऑक्सीजन बेस्ट एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर एक, वैलेंसी कितनी होती है टू, क्यों होती है वैलेंसी टू, आप सभी लोग जानते हैं फर्स्ट सेल में कितने होते हैं टू, सेकंड सेल में कितने होते हैं सिक्स, जब सेकंड सेल में सिक्स होते हैं अब ऑक्टेट पूरा करना है, इसे कितना चाहिए टू, और क्या चाहिए, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की बॉन्डिंग देखते हैं, तो कितने बॉन्ड होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स बॉन्ड होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हुए सिक्स हुए। दूसरा ऑक्सीजन भी लेते हैं, इसमें भी कितने होंगे सिक्स ही होंगे। अब ये क्या करेगा, अगर दो इसे मिल जाए तो ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो ये क्या करेगा, इसके दो शेयर कर लेगा, क्या करेगा, इसके दो शेयर कर लेगा, इसका ऑक्टेट क्या हो गया पूरा हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए एट हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये भी क्या करेगा इसके दो शेयर करेगा, मीन्स ये ऐसा शेयर करेगा। अब इसके कितने हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बीच में हो रहा है या ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड,
फिर एक ऐसा एग्जांपल आपको अब ढूंढना है इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है थ्री का वैलेंसी होनी चाहिए, थ्री की वैलेंसी सॉरी होनी चाहिए। अब थ्री की वैलेंसी है अगर तो किसकी होती है, थ्री की वैलेंसी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है थ्री होती है। अब थ्री होती है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, मतलब एक चाहिए, कितने होंगे फाइव होंगे। अब जब फाइव होंगे तो आप फाइव रख दो, वन टू थ्री फोर फाइव, दूसरा नाइट्रोजन ले लो, वन टू थ्री फोर फाइव, इसको ऐसा लिख लो तो हमको डायग्राम बनाने में इजी हो जाएगा, एन वन टू थ्री फोर फाइव। अब ये क्या करेगा, इसको थ्री चाहिए, थ्री इससे लेगा, इन तीनों से क्या करेगा बॉन्ड करना देगा, क्या बना देगा बॉन्ड, इसको क्या मिल गया ऑक्टेट मिल गया पूरा अपना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसको भी ऑक्टेट बनाना है, ये भी इन तीनों से क्या करेगा बॉन्ड बना देगा, इसके भी कितने हुए एट हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये क्या कहलाएगा ट्रिपल बॉन्डिंग, क्या कहलाएगा ये ट्रिपल बॉन्डिंग, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग अगर बुक में थोड़ा सा ध्यान दें तो आप लोग बुक में पेज नंबर 64 टेबल बना हुआ है 4.2, पेज नंबर 64 टेबल बना हुआ है 4.2, उसको ध्यान दीजिए, पेज नंबर टेबल 4.2 पेज 64। इस टेबल को अगर आप लोग ध्यान दिए तो कुछ कार्बन के नेम लिखे हुए, कार्बन का कौन से नेम जाते क्या लिखा हुआ है मीथेन, ये सब आपको याद भी करना है क्या होता है CH4, कैसे हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, सी के चार एटम होते हैं, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन, इसको कैसा लिखेंगे हम लोग CH4। दूसरा बात आएगी किसकी, इथेन की, इथेन, अब इथेन में क्या होता है C2H6, C2H6, अब ऐसा कैसे हो गया कि भाई एक सी था तो चार थे, दो सी तो आठ नहीं चाहिए लेकिन सिक्स है, क्यों ऐसा है क्योंकि ये कार्बन दो है, कार्बन कितने हैं दो, एक कार्बन अपना इसके साथ भी शेयर कर रहा है दूसरे कार्बन के साथ, ये कार्बन भी अपना इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो खत्म, बचे कितने तीन, यहाँ तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ भी कितने बचे तीन, यहाँ भी क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, इसी प्रकार से ये टेन तक के नंबर है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेप्टेन पेंटेन, ये सारी चीजें हैं, फिर काउंटिंग से आएगी, एक कार्बन है तो मीथेन कहेंगे, दो कार्बन है तो इथेन कहेंगे, तीन कार्बन है तो प्रोपेन कहेंगे, चार कार्बन है तो ब्यूटेन कहेंगे, पांच कार्बन है तो पेंटेन कहेंगे, सिक्स है तो हेक्सेन कहेंगे, सेवन है तो हेप्टेन कहेंगे, एट है तो ऑक्टेन, नाइन है तो नैन, ठीक है। अब ये एन क्या है, ये नाम जुड़ा हुआ है, क्या नाम जुड़ा हुआ है मी एन, तो एन क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंपाउंड, अगर कोई भी कंपाउंड क्या बना रहा है सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कोई भी कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड क्या बना रहा है सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हम लोग उसके जो नेम होगा नंबर ऑफ कार्बन का नाम जो होगा उसके बाद क्या जोड़ते हैं हम लोग एन प्रीफिक्स, सॉरी एन सफिक्स जोड़ते हैं, सफिक्स मतलब जो लास्ट में नाम जोड़ा जाता है, एन क्या जोड़ते हैं हम लोग सफिक्स जोड़ते हैं, कब अगर कोई भी कंपाउंड सिंगल बॉन्ड बना रहा है हम लोग क्या सफिक्स जोड़ेंगे एन जोड़ेंगे। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, सिंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा, इसका नाम लिखा हुआ है, हम ये कैसे जान पाएंगे कि सिंगल बना रहा है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता है CnH2n+2,
ये कैसे हम लोग उसको वेरीफाई भी करते हैं, क्या बहुत ज्यादा है एन की वैल्यू अगर वन रखते हैं तब सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा। एन की वैल्यू वन रखते हैं सी वन टू है, मतलब टू प्लस टू कितना हो गया एच की वैल्यू फोर, ये क्या होगा मीट एन, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड एच 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 एच, कितने बॉन्ड है इसके साथ भी सिंगल, इसके साथ भी सिंगल, इसके साथ भी सिंगल और इसके साथ भी सिंगल, ये क्या कहें इसके पीछे जो हम लोग सफिक्स जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे एन जोड़ेंगे, एन की जगह अगर टू रख लेते हैं तो सी टू एच टू इंटू टू प्लस टू हो जाएगा, टू इंटू टू प्लस टू हो जाएगा, मतलब सी टू एच की वैल्यू फोर, टू जो फोर प्लस टू कितनी हो गई सिक्स, अब इसको जोड़ते हैं दो कार्बन हो गए हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सिक्स, एक दो तीन चार पाँच छः, अब इसको हम लोग काउंट करें इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड यहाँ भी सिंगल सभी जगह देखिए सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अगर इस फॉर्मूले पे जब भी आप ऐसे स्प्लिट करोगे तो आपको क्या मिलेगा हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलेगा, तो हम क्या जोड़ेंगे एन जोड़ देंगे, कहाँ जोड़ देंगे एन सफिक्स में जोड़ देंगे, कहाँ जोड़ देंगे सफिक्स में मीन्स पीछे। इसी प्रकार से अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या नाम इसका क्या देंगे एल एन, सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम देंगे एल एन नाम देंगे, इसका जो लास्ट के तीन अक्षर है एन इसको हम लोग सफिक्स बना देते हैं ठीक है। अब इसी पे ठीक है इसी पे बात करते हैं एल कीन है, एल कीन है मतलब क्या होगा डबल बॉन्ड बना, क्या मतलब हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैसे हमें पता चलेगा डबल बॉन्ड है या नहीं उसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है सी एन एच टू एन, इस फॉर्मूले पे रखिए डबल बॉन्ड है या नहीं है क्लियर हो जाएगा। एन की जगह क्या रखिए वन, सी की वैल्यू वन, एच टू एन मतलब एच की वैल्यू टू, सी और एच कितने हैं टू, लेकिन कार्बन की क्या है दो वैलेंसी से विस्मारी नहीं केवल एक और दो, हम लोग क्या करेंगे एक और जोड़ेंगे तब तो डबल बॉन्ड के साथ आएगा, क्यों क्योंकि दो एक के साथ शेयर हो रहे हैं, अब ये क्या कहला गया डबल बॉन्ड, कार्बन की फोर वैलेंसी तो सेटिस्फाई होनी ही होनी है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें एन की जगह टू रखें सी टू एच की वैल्यू कितनी जाएगी फोर, दो सी बनाए और चार एच बना दिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे एक शेयर हो रहा है, दो शेयर हो रहा है, तीन शेयर हुआ है, कितनी इसकी बची वैलेंसी एक अभी भी बची हुई है, इसकी बात करें एक शेयर हो रहा है, दो शेयर हो रहा है, तीन शेयर हो रहा है, कितनी बची एक बची, अगर ये दोनों के बीच में आपस में ये लोग ऐसे शेयर कर ले एक और इलेक्ट्रॉन तो कितनी जाएगी दोनों की, इसकी भी चार और इसकी भी चार, बट कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा दो बॉन्ड हुए ना एक बॉन्ड और दो बॉन्ड, हम लोग इसको क्या कहेंगे डबल बॉन्ड बना रहा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो उसका मतलब क्या है वो एल्कीन कहलाएगा, क्या कहलाएगा एल्कीन, जो नाम होगा फॉर्मूला होगा उसके लास्ट में क्या जुड़ जाएगा ई एन ई सफिक्स के रूप में, ई एन ई ये सफिक्स है। इसी प्रकार से हम लोग किसकी बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे, अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं है बस ऐसा हो जाएगा एल्काइन, अब एल्काइन क्या हुआ सिंपल सी बात है सिंगल की बात हो गई डबल की बात हो गई इसमें ट्रिपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा इसका भी एक फॉर्मूला दिया गया है वेरीफाई करने के लिए, क्या फॉर्मूला दिया गया है सी एन एच टू एन माइनस टू, सी एन एच टू एन माइनस टू, अब इसको वेरीफाई करें सी की वैल्यू एन की वैल्यू कितना है एन की वैल्यू वन रखते हैं सी वन एच टू माइनस टू मतलब एच खत्म जीरो कितना आ गया सी, अब ये सी क्या करेगा एक्सिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, अब सी की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं एन की वैल्यू क्या रखते हैं टू रखते हैं, तो अब टू रखेंगे अगर तो क्या हो जाएगा सी टू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू सी सी एच एक यहाँ और एक यहाँ, अब देखिए दो वैलेंसी सेटिस्फाई है इसकी भी और इसकी भी, एक और डबल बॉन्ड लगा देते तो तीन वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा एक और शेयर करा दें, अब क्या इसकी भी तीन
और एक ये चार, इसकी भी तीन ये और एक ये चार, ये क्या बना दिया ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एक के साथ, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड मींस एल्काइन कहेंगे। इसमें क्या होगा जो आयन बुला सकते हैं ये ईन होंगे, तो ईन तो ई एन ई हो जाएगा, तो आयन ही से पढ़ेंगे हम लोग, तो जो वाई एन ई है ये क्या बन जाएगा सफिक्स बन जाएगा किसी भी कंपाउंड के नेम के। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स को कैसे और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या बात करें, कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। तो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है, तो कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन, सॉरी कैटिनेशन से नाम देते हैं कैटिनेशन, इसको हम लोग प्रॉपर्टीज की जगह पे नेचर ऑफ कार्बन बोलते हैं, नेचर ऑफ कार्बन, ये यहाँ पे सुटेबल होगा कैटिनेशन। अब कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कैटिनेशन का मतलब होता है जब भी कोई कार्बन एटम एक लॉन्ग चेन बनाए या ब्रांच चेन बनाए, कैटिनेशन क्या होता है लॉन्ग चेन बनाए या ब्रांच चेन बनाए, ठीक है, और क्या बना सकता है, सिंगल डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो ये क्या इसकी एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कि वो लॉन्ग चेन भी बनाएगा, कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, लॉन्ग चेन भी बनाएगा, ब्रांच चेन भी बनाएगा, रिंग्स भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग अगर थोड़ा सा और करें तो ये क्या करता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा, लॉन्ग चेन क्या, अगर मान लीजिए सी 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 ऐसा जुड़ा हो गया, क्या एक लॉन्ग चेन चलेगी ना लगातार, क्या मुझे ब्रांच चेन का मतलब बताएं, यहाँ से भी एक सी, यहाँ से भी एक सी और यहाँ से भी एक सी, सभी में ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रांच निकल गए, क्या निकल गए इसकी ब्रांच निकल गए। रिंग की बात करें सी 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 ऐसा बनाए तो रिंग हो गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको पता नहीं है। अब इसके बाद एक और वैलेंसी होती है इसकी, एक और सॉरी क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये नेचर होता है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब चार वैलेंसी होती है, ये चार इलेक्ट्रॉन भी शेयर करता है, इसका क्या होता है टेट्रावैलेंसी, मींस फोर इलेक्ट्रॉन्स भी ये शेयर करता है, तुम्हें पता है इसके चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार भी शेयर कर सकता है। ये आपको क्या था नेचर ऑफ कार्बन, ये आपका पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कार्बन की चेन्स के बारे में बताएंगे, इसकी कौन कौन सी चेन्स होती हैं और स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।